नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल IAS Prep पर। मित्रों, जब परीक्षाएं नजदीक आती हैं तो कई बार डर लगने लगता है, कई बार हम निराश होने लगते हैं, कई बार हम मोटिवेशन इधर उधर से पाने की कोशिश करते हैं कि कैसे मोटिवेट रहें, और कभी कभी डर इतना सताता है कि हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। कभी कभी इतना ज्यादा हम परेशान हो जाते हैं कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, और कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम पढ़ ही नहीं पाते हैं, पढ़ाई बंद हो जाती है, हम इधर उधर टहलने घूमने लगते हैं, इधर उधर बातचीत करने लगते हैं, YouTube पे मोटिवेशनल वीडियोस खोजने लगते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं कि यार तुम्हारी कितनी तैयारी है, क्या तुमने ये सब पढ़ लिया, और जो कहीं वो ये कह देता है कि हाँ मैंने तो पढ़ लिया, तब तो और स्थिति खराब हो जाती है। तब हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि अब मेरा क्या, सबने पढ़ लिया है, बस मैंने ही नहीं पढ़ा है। वास्तव में मैं आपको बताऊं कि अगर आप खुद मोटिवेट नहीं रह पा रहे हैं या खुद मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। इधर उधर से जो आप बातें सुनते हैं वो कुछ घंटों तक, दो चार दिनों तक रहती है, उसके बाद में वो सब भूल जाती है, क्योंकि वो दूसरों के द्वारा बताई गई बातें हैं। दूसरे लोग जो भी बताते हैं वो अपना अनुभव बताते हैं या समाज में देखा सुना हुआ बताते हैं, और यहां पर समस्या होती है आपके साथ, और आपके साथ जो समस्या हो रही है वो दूसरा कैसे समझ सकता है, और दूसरा अगर उसको समझ नहीं सकता है तो दूसरा आपको मोटिवेट कैसे कर सकता है। बहुत अच्छी अच्छी बातें हमको पढ़ने में अच्छी लगती है, जो जीता वही सिकंदर, जो डरा नहीं वही जीता है, पता नहीं कैसी ऐसी बहुत सारी बातें हैं, पता नहीं बहुत सारी ऐसी बातें हैं, कैसी कैसी बातें हैं, ये सब आप जानते हैं, मुझे भी पता है। उसके बावजूद भी हम क्यों निराश होते हैं, हम क्यों डरते हैं, ये कभी आपने सोचा है? इसलिए हम डरते हैं क्योंकि हम खुद मोटिवेट होना नहीं चाहते। खुद मोटिवेट कैसे, क्या ऐसा कोई फार्मूला है जिससे हम खुद मोटिवेट हो सके, क्या कोई ऐसा एक आला दिन का चिराग मिल सकता है जो कभी हम निराश ना हो? तो नोट कर लीजिए, ऐसा कोई चिराग, तेजस्वी चिराग आपको नहीं मिलने वाला है, कोई जादुई छड़ी नहीं मिलने वाली है जिससे कि आप कभी भी निराश ना हो। ये जो जीवन है उतार चढ़ाव का नाम है, और जैसे जिंदगी कभी अप्स कभी डाउन्स के साथ हमारे बहुत सारे चीजों को निर्धारित करती है, ऐसे एक दिन में भी ऐसा होता है, किसी परीक्षा के लिए भी ऐसा होता है। सबसे अच्छा फार्मूला मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप खुद कैसे मोटिवेट रहे, और उसका एक ही केवल फार्मूला है, दो चार दस बातें मैं आपसे नहीं करूंगा, वो है आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहें, और आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचें, आप अपनी परीक्षा जो भी नजदीक है उसको ध्यान में रखकर हमेशा पढ़ाई करते रहें, आप अपने को खुद चेक करें, सबसे बड़े जज आप हैं, और अगर सबसे बड़े जज आप हैं तो सबसे बड़ा निर्णय भी आप अपने बारे में ले सकते हैं। ऐसा आपको सुनने में अजीब लग रहा है कि ये कैसी बातें हैं, आज तक तो ऐसा किसी ने नहीं बताया कि इधर उधर से मोटिवेशन पाने के बजाय हम खुद को मोटिवेट करें। रियलिटी यही है कि हम जब तक खुद को मोटिवेट महसूस नहीं करेंगे, हम मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। आत्मविश्वास कहां से आएगा, डर कैसे दूर होगा, परीक्षा में कैसे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, इसका ईमानदारी के साथ आप सोचिए तो केवल एक ही उपचार है, एक ही उपाय है, वो है खूब ज्यादा मेहनत करना। कैसे, मजदूरों की तरह नहीं, एक स्मार्ट ट्रैक पकड़ना, उस ट्रैक पर चलना, एक अच्छी सी प्लानिंग करना। कई बार लोग कहते हैं कि प्लानिंग भी दूसरों के द्वारा जो की जाए उसको हम अपनाएं, कई बार लोग कहते हैं कि प्लानिंग भी हमारा कोई कर देता जो सेलेक्ट हुआ है या फिर जो तैयारी के बारे में जानता है, तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आप दूसरों से मदद ले सकते हैं, मैं भी आपकी थोड़ी बहुत मदद करता रहता हूं, आप अपने फ्रेंड से मदद ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया ही एक दूसरे की मदद पे चल रही है, लेकिन आप अपने आप को, आप अपने कॉन्फिडेंस को, आप अपने आत्मविश्वास को केवल खुद के जरिए बढ़ा सकते हैं। अपनी परीक्षा को ध्यान में रखिए, अच्छी सामग्री आप सेलेक्ट कर चुके होंगे,
क्योंकि अब सामग्री सेलेक्ट करने का समय नहीं रहा है। अगर आपकी परीक्षा कोई नजदीक है तो आप खुद मोटिवेट रहेंगे, निश्चित रूप से मोटिवेट रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जरा इस फार्मूले को आजमा के देखिएगा। डे बाय डे का शेड्यूल बनाइए, सुबह निर्धारित कर लीजिए कि शाम तक किन किन कामों को हमको करना है, क्या चीज हमको कवर करनी है, कैसे करना है। फिर मजा देखिए, एक दिन का, दो दिन का, तीन दिन का, चार दिन का कार्य ऐसे करके देखिए, फिर आपको मजा आने लगेगा और आप निराश नहीं होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कभी नहीं होगी, निराशा तो होगी, मैंने कहा है ना कि अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, कभी फैमिली में प्रॉब्लम हो जाती है, कभी फ्रेंड से कोई नाराजगी हो जाती है, वो हमसे नाराज या हम उससे नाराज, तब भी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। लेकिन खुद को मोटिवेट रखने के लिए सबसे अच्छा उपाय है आप अपने लक्ष्य के प्रति, आप अपने काम के प्रति ईमानदारी के साथ लगे रहें, अपनी परीक्षा के बारे में सोचें और हमेशा मोटिवेटेड रहें। फिर मिलते हैं ऐसी ही बातों के साथ। थैंक यू।